हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आईजीनियस 2.0 के एग्जामिनेशन सिस्टम के रिपोर्ट कार्ड प्रिंटिंग फीचर के बारे में जानकारी देंगे। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आईजीनियस 2.0 में मार्क्स की एंट्री कैसे करनी है और मार्कशीट कैसे प्रिंट करनी है। आज हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट कार्ड की सेटिंग कैसे करनी है, ग्रेडिंग सिस्टम कैसे डिफाइन करना है, टर्म वाइज ग्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाना है और रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कैसे करना है। दोस्तों, आईजीनियस 2.0 में रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, मींस आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स 90 से लेकर 100 के बीच बीच में है तो उसका ग्रेड ए प्लस होगा, अगर 80 से लेकर 90 के बीच बीच में है तो उसका ग्रेड ए होगा, 70 से लेकर 80 के बीच है तो उसका ग्रेड बी होगा। जो भी आपके स्कूल का, आपके बोर्ड का सिस्टम है, जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, वो सारा आप इसमें खुद डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है कि इतने से इतने वालों का ये ग्रेड होगा। आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी आपने डिफाइन करा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का ग्रेड लग के आ जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए अभी हम आपको ले चलते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम में। एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम ग्रेडिंग सिस्टम डिफाइन करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम डिफाइन करने के लिए हम ग्रेडिंग सिस्टम में आएंगे। सबसे पहले हमने क्लास चूज करी, जैसे मैंने यहाँ से 7th क्लास चूज करी। इधर लेफ्ट साइड में हम डिफाइन करते हैं अपने मैक्सिमम मार्क्स और पास मार्क्स। आप इसको असेसमेंट वाइज भी कर सकते हैं या ऑल असेसमेंट का कॉमन भी कर सकते हैं। तो अगर आप असेसमेंट वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से असेसमेंट चूज कर लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से ऑल ले लेंगे। सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, अगर आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पास मार्क्स हैं, अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज ले लेंगे, अदरवाइज हम इसको ऑल कर लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100 और पास मार्क्स डाल देता हूँ 35। इसको मैंने यहाँ पर एड आइटम कर दिया। राइट साइड में हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है। राइट साइड से हम यहाँ से इसको असेसमेंट वाइज भी कर सकते हैं। FA1 का अलग से ग्रेडिंग सिस्टम, FA2 का अलग से, अदरवाइज हम यहाँ से ऑल भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट भी हम सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, ऑल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम मिनिमम डाल देते हैं, अगर मार्क्स आपके 0 से लेकर 35 तक हैं तो उसका ग्रेड बनता है। सपोज मैं यहाँ पर ई ग्रेड डाल देता हूँ, ऑल 35.01 से लेकर अगर मार्क्स आपके 60 तक हैं तो आपका ग्रेड बनता है डी। 60.01 से लेकर अगर मार्क्स आपके 75 तक हैं तो आपका ग्रेड बनता है 75.01 से लेकर अगर मार्क्स आपके 85 तक हैं तो आपका ग्रेड बनता है बी। 85.01 से लेकर 95 तक हैं तो आपका ग्रेड बनता है ए। 95.01 से लेकर अगर 100 तक हैं तो आपका ग्रेड बनता है ए प्लस। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम सेव हो गया। जैसे हमने पहले से टर्म 1 का ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है, ऐसे ही आप टर्म 2 का ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। 0 से लेकर 35 तक मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड बनता है ई। तो ये हमने टर्म 1 और टर्म 2 का ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया। तो अभी मैं इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने अभी ग्रेडिंग सिस्टम और टर्म ग्रेडिंग दोनों बना लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं रिपोर्ट कार्ड की सेटिंग में। रिपोर्ट कार्ड की सेटिंग दोस्तों इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें आप अपने फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंग कैसी भी रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, कैसा भी उसका प्रिंट का फॉर्मेट ले सकते हैं, कैसी भी आप उसमें असेसमेंट परसेंटेज ले सकते हैं। जैसे कुछ स्कूल्स टर्म 1 के रिपोर्ट कार्ड में FA1 के 30 मार्क्स, FA2 के 30 मार्क्स, SA1 के 40 मार्क्स ऐसे ले लेते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही टर्म 2 की रिपोर्ट सेटिंग में FA3 के 30 मार्क्स, FA4 के 30 मार्क्स और SA2 के 40 मार्क्स। कुछ स्कूल्स हैं जो 20-20-60 ले लेते हैं। तो ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी उसकी फॉर्मूलेशन बना सकते हैं, कौन कौन सी असेसमेंट के आपने कितने परसेंटेज लेने हैं, ठीक है। आपने टर्म 1 की रिपोर्ट कार्ड बनानी है, टर्म 2 की बनानी है, हाफ ईयरली बनानी है, क्वार्टरली बनानी है, मंथली बनानी है, कैसी भी तरह की आप इसमें सेटिंग बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 2-3 इसमें सेटिंग करके दिखाऊंगा, उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे उसकी रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होती है और उसका फॉर्मेट कैसा होता है, वो सारा हम आपको इसी वीडियो में अभी दिखाएंगे कैसे होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म 1 की रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। टर्म 1 क्लास कौन सी है, क्लास में ले लेता हूँ यहाँ से 10th ले लेता हूँ। यहाँ पर हम उसकी RPT फाइल, मींस जो उसका प्रिंट आउट होगा वो कौन सी रिपोर्ट पे, कौन सी RPT मास्टर फाइल में प्रिंट होगा, वो यहाँ पर आप उसको चूज कर लेंगे।
आरपीटी फाइल बनाने के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल मेरे पास कोई भी आरपीटी फाइल पड़ी है तो मैं उसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ। सपोज ये जैसे मेरे पास ये पड़ी है टर्म वन की आरपीटी फाइल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम उसकी फॉर्मूलेशन सेट करेंगे कि हम इसमें कौन कौन सी असेसमेंट के कितने कितने परसेंटेज, कितने कितने मार्क्स हम उसके दिखाना चाहते हैं। जैसे हम इसमें ले रहे हैं टर्म वन के एफ ए वन के 10% मार्क्स, टर्म वन के एफ ए टू के 10% मार्क्स, और हम ले रहे हैं टर्म वन के एस ए वन के 30% मार्क्स। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट रिपोर्ट सेटिंग करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं टर्म, तो इसमें हम आरपीटी फाइल यहाँ पर चूज कर लेते हैं कोई, जो मैंने ले लिया रिपोर्ट का टू के नाम से। यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं कि टर्म टू के एफ ए थ्री की हम ले रहे हैं 10%, टर्म एफ ए फोर के हम 10% असेसमेंट ले रहे हैं, और एस ए टू का हम ले रहे हैं 30% असेसमेंट। नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड दोस्तों हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे, उसको हम बोल देते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट जो हमने साल के एंड में बच्चों को देनी है, यहाँ पर हम 10th क्लास के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्राउज करके एक ले लेता हूँ, ये फाइनल रिपोर्ट के नाम से आरपीटी फाइल है मेरे पास। इसमें टर्म वन का एफ ए वन का 10% ले रहे हैं, टर्म वन का एफ ए टू का 10% ले रहे हैं, टर्म वन का एस ए वन का 30% ले रहे हैं, और साथ ही साथ हम टर्म टू का एफ ए थ्री का 10% ले रहे हैं, एफ ए फोर का 10% ले रहे हैं, और एस ए टू का 30% ले रहे हैं। मीन्स ये हमारा टोटल 100 हो गया, 10 10 30 10 10 30, ये हमारा 100% हो गया। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये आपकी रिपोर्ट कार्ड की सेटिंग हो गई। यस, हमारी टर्म वन की सेटिंग बन गई, टर्म टू की बन गई, और फाइनल रिपोर्ट की बन गई। ये तीनों सेटिंग हमारी यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये हमारी बन गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको आईजीनियस 2.0 में एग्जामिनेशन में रिपोर्ट कार्ड की प्रिंटिंग के बारे में बताते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर एग्जामिनेशन में रिपोर्ट कार्ड में आएंगे। यहाँ पर हम स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डालेंगे। अगर आपको एडमिशन नंबर पता नहीं है, याद नहीं है, तो यहाँ से आप F4 करके भी उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पर मैनुअली डाल दिया। तो यहाँ पर ये पूछता है कि आप कौन सा रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर टर्म वन भी है, टर्म टू भी है, और फाइनल रिपोर्ट भी है, जैसा हमने रिपोर्ट कार्ड की सेटिंग में बनाया था। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम टर्म वन का आपको दिखाते हैं कैसे होता है। ये मैंने टर्म वन लिया, ओके किया, तो जैसे हमने उसकी मार्क्स एंट्री करी थी स्टूडेंट की, उसके अकॉर्डिंग एफ ए वन के इंग्लिश के कितने असेसमेंट बन गए। इंग्लिश के हमारे थे 78 मार्क्स, बट इसने उठाया 7.8, बिकॉज हम एफ ए वन का 10% ले रहे हैं, एफ ए टू का हम 10% ले रहे हैं, जबकि इसके नंबर आए थे 98। तो ये अभी 10% करके उसका आ गया 9.8। तो एस ए वन का हम ले रहे हैं 30%, एस ए वन का हम ले रहे हैं 30%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.5 इसके नंबर 30% करके बनते हैं। तो ये बन गया आपका टोटल। तो आपका जो ग्रेड बनना चाहिए वो भी यहाँ पर ग्रेड बन गया। आपका ग्रेड इसमें फर्स्ट वाले में, तो आपका ग्रेड एफ ए वन में निकलता है बी, एफ ए टू में आपका ग्रेड बनता है ए प्लस, और एस ए वन में आपका ग्रेड बनता है सी, टर्म वन में ओवरऑल जो आपका ग्रेड बनता है वो बनता है बी। और ये आपका यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। तो चलिए अभी मैं आपको इसका प्रिंटआउट दिखाता हूँ। ये आप प्रिंटआउट देख सकते हैं, एफ ए वन का, एफ ए टू का, एस ए वन का, सारे के सारे नंबर आपके सामने हैं। ये प्रिंटआउट आप अपने हिसाब से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उसकी हेडिंग बदलना चाहते हैं, यहाँ पर आप कॉलम्स आगे पीछे करना चाहते हैं, कोई नया कॉलम लगाना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल आपने देखा टर्म वन का रिपोर्ट कार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ टर्म टू का रिपोर्ट कार्ड। टर्म टू में हम ले रहे थे एफ ए थ्री का 10%, एफ ए फोर का 10%, और एस ए टू का 30%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 89 नंबर थे उसके इंग्लिश में, उसका ग्रेड बना ए, जो 30% करके है एस ए टू में वो बनता है 16.8, तो उसका ग्रेड बनता है डी। अभी हम आपको इसका टर्म टू का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कैसे प्रिंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ ए थ्री का 10%, एफ ए फोर का 10%, एस ए टू का 30%, ये सारा आपके सामने रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होके आ गया। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी फाइनल रिपोर्ट दिखाता हूँ, फाइनल रिपोर्ट कैसे प्रिंट होती है।
यहाँ से हम फाइनल रिपोर्ट को ओके करेंगे। फाइनल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं एफ ए वन आ रहा है, एफ ए टू आ रहा है, एस ए वन आ रहा है, एफ ए थ्री आ रहा है, एफ ए फोर आ रहा है, एस ए टू आ रहा है। इसका हम प्रिंट आउट देख लेते हैं। इसमें टर्म वन का आ रहा है, एफ ए वन, एफ ए टू और ये एफ ए थ्री, एफ ए फोर, एस ए टू, ये सारे आपके पास फर्स्ट टर्म का टोटल और सेकेंड टर्म का टोटल, ये सारा कुछ आपके सामने ऑन द स्क्रीन आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कितना ईजी है आईजीनियस 2.0 में रिपोर्ट कार्ड को डिज़ाइन करना और उसको प्रिंट आउट करना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी प्रिंट आउट की सेटिंग कैसे करनी है, प्रिंट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, कैसे उसका डिज़ाइनिंग करनी है, कैसे उसमें आपने अपने स्कूल का लोगो लगाना है, कैसे बच्चे की फ़ोटो लगानी है, वो सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद, खुश रहो, तरक्की करो।